आप क्या बात करते हो, क्या पॉलिटिकल। माननीय श्री चुन्नी लाल गरासिया जी, माननीय श्री चुन्नी लाल गरासिया, 10 मिनट। माननीय उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से आज यह तेल क्षेत्र विधेयक के संबंध की परिवर चर्चा में कुछ अपना विचार सदन में रखूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस तेल क्षेत्र में देश में क्वांटिटी और क्वालिटी में जो प्रगति की है उसका कुछ बिंदुवार बताते हुए आपको निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में देश में जो आवश्यकता और पूर्ति का जो बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा अंतर था, उसको पाटने की पूरी भरसक कोशिश की गई है और हमारे देश के नागरिकों को, चाहे गैस के क्षेत्र में हो, चाहे पेट्रोलियम के क्षेत्र में हो, आयात में किस तरह से हम कमी लाते हुए देश में ही देश के प्रोडक्ट को उसको कैसे सरप्लस करें जिससे कि विदेशी मुद्रा का हम बचाव कर सकें और आपूर्ति भी ठीक ढंग से, जो पहले काफ़ी अंतर था मांग और खपत में, उसका कैसे पूरा कर सके, इस तरह का भी आज इस परिचय चर्चा में मैं लाना चाहूँगा। आने वाले समय में भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक संवृद्धि के कारण ऊर्जा की जो मांग बढ़ रही है और आने वाले समय में लगभग हमारा यह मांग दोगुना होकर के 1,123 मिलियन टन तेल समतुल्य हो जाएगा। भारत ने स्वतंत्रता के बाद जो कि मात्र 0.26 MMT से बढ़कर लगभग 30 MMT हो गया है और यह जो प्रतिशत के हिसाब से हम इसको तुलना करें तो 10,000% से भी अधिक की वृद्धि प्रदर्शित करता है। भारत लगभग 37 BCM प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी करता है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत लगभग 230 MMT प्रति वर्ष होती है, जिसके और बढ़ने के भी अनुमान हैं। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की मांग और घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर आयात के माध्यम से पूरा किया जाता था। वर्तमान में भारत की आयात निर्भरता 85% से अधिक है। इस प्रयोजन से के लिए सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की उत्पादन को बढ़ाने तथा ईंधन की खरीद को स्थिरता लक्ष्य के अनुरूप बनाने के लिए ईंधन के स्रोतों में विविधता लाने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने जैव ईंधन के माध्यम से ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने के कदम उठाए हैं, जिसमें इस दिशा में एथेनॉल की खरीद जो 2014 में मात्र 38 करोड़ लीटर से थी, जो अब बढ़ करके 2024 में 720 करोड़ लीटर हो गई है। इससे क्या लाभ हुआ हमको? लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा को बचाया है और साथ ही साथ 180 लाख
मेट्रिक टन कच्चे तेल का आयात भी प्रतिस्थापन भी हुआ है, यानी हमको मुद्रा में भी फायदा हुआ है और आयात में भी हमने क्वांटिटी कम की है। आपूर्ति को इस पे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है, आपूर्ति हम जिस ढंग से देश में आवश्यकता है उसकी पूरी करते हुए हमने विदेशी मुद्रा से भी बचाई है और आयात भी हमने कम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी इस सरकार की रही है, देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी की रही है, ये बहुत बड़ा हमारा एक उपलब्धि का कारण बनता है। हमारा गैस के क्षेत्र में बायोगैस का हमें नया एक आयाम दिया है और बायोगैस के लगभग प्रतिवर्ष 15 MMT की वृद्धि होने की संभावना लगाई गई है। इससे गैस का परिवहन में कमी आएगी और गैस हमको स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता को मिल पाएगा, ये भी इस सेक्टर में अपने आप में एक नई उपलब्धि हुई है। सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ में हम गैस की खोज और राज्य में ऊर्जा सुरक्षा में सुधार हो, देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम हो, इसके लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता को हासिल किया गया है। माननीय, यह वास्तव में आज का तेल क्षेत्र विनिमय विकास विधेयक जो आज यहाँ सदन में मंत्री जी के माध्यम से लाए हैं, उसमें कई आवश्यकताएं सुधार की भी है और सुधार में भी हमारा रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तेल में गैस में किस ढंग से छोटे छोटे प्रशासनिक व्यवस्थाओं के आधार पर हम गरीब मध्यम क्लास के लोगों तक, जो अभी शहरी और ग्रामीण के बीच में अंतर है, ऐसे कैसे हम पाट सकते हैं, ये भी हमारे केंद्र के मंत्री जी को विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूँ। कई ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलता है कि विशेष रूप से गैस के क्षेत्र में हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन डिस्ट्रीब्यूटरों का किस ढंग से मंत्रालय के माध्यम से इनको समय समय पे कैसे डायलॉग करके क्या क्या इनकी परेशानियां आती हैं इस डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, उसका भी मंत्रालय कहीं कहीं अपना एक सेल बना करके, और सेल बनाओ भी है तो समय समय इसका डायलॉग करके, इनके साथ चर्चा करके इनके जो समस्याएं, जो क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है गैस जो वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटर घर पे पहुंचाता है, और घर पे पहुंचाता है तो किस ढंग से उसके समस्याएं आती हैं, किस ढंग से उसको उसमें हम मंत्रालय के माध्यम से कैसे उसको सहयोग कर सकते हैं, उसका मेरे को व्यवहारिक रूप से भी फील्ड में देखने को मिला है। और उससे ग्राहक और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में जो परेशानियां आती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, दूरी में, उसको कैसे हम पाट सकते हैं, वह भी मंत्रालय उसको चिंता करेगी, तो व्यवहारिक रूप से उसका हमको उपभोक्ता के पास में। इस विधेयक पर बोलें, इस विधेयक मैं थोड़ा सबमिट कर रहा हूँ, इस विधेयक पर नियम के अनुसार इस विधेयक पर ही आपको बोलना। जी जी हुकुम। तो मेरा निवेदन था कि मैंने कुछ अपने भाव से प्लीज प्लीज बोलने दो भाई, सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज, बंगाली आप प्लीज। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष जी निवेदन करना चाहूँगा कि वास्तव में इस विनिमय विधेयक के माध्यम से हम कई वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए आज मंत्री जी की हमारे सामने जो विधेयक के रूप में रखेंगे, मैं आपके माध्यम से सदन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो एक ऐतिहासिक परिवर्तन इस सेक्टर में आया है, मैं और इस दो हम आगे कैसे बढ़े या विशेष रूप से मंत्री के माध्यम से निवेदन भी करूँगा। और आज विधेयक ये रख रहे हैं, विधेयक में जो विषय रखे हैं बहुत अच्छे रखे हैं। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सुश्री दोला सेन जी। 6 मिनट।